सभी दिव्य पुण्य महान आत्माओं को मेरा हृदय की अंतर गहराइयों से नमन है, प्रणाम है। हमारे जीवन के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुप्त शक्तियों के जागरण के लिए हमारे मुद्राओं का विशेष महत्व है। मुद्राएं आसनों का विकसित रूप है। जब हम आसन करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां विकसित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, लेकिन जब हम मुद्राएं करते हैं तो उससे हमारी प्राण शक्ति विकसित होती हैं, मजबूत होती हैं, नियंत्रित होती हैं। प्राण ही जीवन का आधार है, स्वास्थ्य का आधार है। जिस मनुष्य की प्राण शक्ति जितनी मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, वह उतना ही स्वस्थ होता है। यदि प्राण शक्ति कमज़ोर है तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उसी के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से और मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी प्राण शक्ति को मजबूत, शक्तिशाली बना सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी प्राण शक्ति के बल पर वो हजारों वर्ष जीते थे, स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे। तो हम भी स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करके। वो दृश्य भी हमारे सामने है, हम सब ने वह दृश्य देखा है महाभारत का, जिसमें भीष्म पितामह जी बाणों की संख्या पर लेटे हैं और उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं कि कब उत्तरायण आए और मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। तो वह समय भी तो था जब हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राण शक्ति के बल पर अपने प्राणों का त्याग किया। हमारे पूर्वज अपना प्राण शक्ति के बल पर ही समाधि को लेते थे, अपने प्राणों का त्याग करते थे, इच्छा मृत्यु से अपने प्राणों का त्याग करते थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। यदि हम अपने प्राणों को इतना बलशाली, शक्तिशाली बना ले प्राणायाम के माध्यम से और मुद्राओं के माध्यम से, तो हम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ भी आज एक दृश्य देखते हैं। आज छोटी छोटी बीमारियों के कारण मनुष्य हार जाता है। कोरोना जैसी डिजीज के कारण आज वेंटिलेटर पर मनुष्य को आना पड़ा, और आज प्राण त्यागता नहीं है बल्कि बीमारियों के कारण उसको प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। तो वह स्थिति भी हमारे सामने आ गई है। तो हमें अब फिर से अपनी संस्कृति को अपनाते हुए योग को, प्राणायाम को और मुद्राओं को अपने जीवन में अपनाकर हम अपनी प्राण शक्ति को मजबूत बनाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे, जिससे हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। हम अपने महापुरुषों को देखते हैं, योगियों को देखते हैं, भगवान शिव, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, किसी न किसी एक विशेष स्थिति में हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। कोई ज्ञान मुद्रा में बैठा है तो कोई ब्रह्मांजलि में, किसी न किसी मुद्रा का उन्होंने प्रयोग किया, और उन मुद्राओं का प्रयोग करके उन महापुरुषों ने अपने जीवन को महान बनाया। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में इन मुद्राओं का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी, महान और दिव्य बना सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, न अस्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिधम क्षिति मंडले। इस संसार में मुद्रा के समान सफलता देने वाला कोई कार्य नहीं है। हमें जीवन में जो सफलताएं मिलती हैं, सबसे अधिक जो मिलती हैं, वो मुद्राओं के माध्यम से मिलती हैं। मुद्राएं हमारे मन को कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं, एकाग्रचित कर देती हैं। मन की जो सुप्त शक्तियां हैं, शरीर को जो सुप्त शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती हैं। तो इतने इफेक्टिव हैं ये मुद्राएं। हम दो प्रकार की मुद्राओं को सीखेंगे। एक वो जो पंच तत्वों को बैलेंस करेंगी, दूसरी जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगी और सुप्त शक्तियों का जागरण करेंगी। तो पहले हम हस्त मुद्राओं को सीखेंगे। हस्त मुद्राओं के माध्यम से हमारे पांच तत्व बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है और हमारा जो ये शरीर है, ये पांच तत्वों से निर्मित होता है। जब यह प्रकृति में पांच तत्व बैलेंस होते हैं तो ये प्रकृति स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है।
इस प्रकृति में भी आज विकार आए हैं। इन पांच तत्वों में भी प्रदूषण भर जाने के कारण ये इनबैलेंस हो गई है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और इस प्रकृति को भी हमें स्वस्थ करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, निरोगी रह पाएंगे। नहीं तो स्वास्थ्य की कल्पना करना एक हमारे लिए मजाक ही होगा, क्योंकि दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। तो हम मुद्राओं के माध्यम से तो अपने शरीर में जो पांच तत्व हैं उनको बैलेंस करेंगे। जैसे अंगुष्ठ में अग्नि तत्व रहता है, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी, कनिष्ठ उंगली में जल तत्व रहता है। तो ये पांच उंगलियां पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये पांच तत्व जब हमारे शरीर में बैलेंस होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी होते हैं। और जब ये इनबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और गीता में कहा ही है, समत्वम योग उच्चते। समत्वम का नाम योग है, बैलेंस का नाम योग है। जब बैलेंस होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी होते हैं। और जहां असंतुलन आता है, इनबैलेंस आता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अग्नि के इनबैलेंस होने से हमारे शरीर में, जब अग्नि शरीर में बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है, बीपी हाई हो जाता है, बुखार आदि रोग होते हैं। और जब शरीर में अग्नि कम होती है तो हमारा जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे ही वायु तत्व के इनबैलेंस होने से, जब हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है तो वात रोग होते हैं, अर्थराइटिस होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है। जब हमारे शरीर में वायु तत्व कम हो जाता है तो रक्त संचार कम हो जाता है। रक्त संचार कम हो जाने के कारण जो हमारे शरीर में मल है, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही आकाश तत्व के इनबैलेंस होने से हमारे शरीर में कान के रोग, गले के रोग, हड्डियों के रोग हो जाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी तत्व के इनबैलेंस हो जाने से वजन कम होता है या अधिक हो जाता है, विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। जल तत्व के इनबैलेंस होने से शरीर में त्वचा से संबंधित रोग होते हैं और मूत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इन पंच तत्वों को हम इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं हस्त मुद्राओं के माध्यम से। और इन मुद्राओं का प्रयोग करके हम सदा स्वस्थ, निरोगी, मजबूत, शक्तिशाली बन सकते हैं। तो मुद्राएं कभी भी की जा सकती हैं, किसी भी स्थिति में की जा सकती हैं, खाना खाने के तुरंत बाद की जा सकती हैं, यहाँ तक सोते हैं तो सोते सोते भी हम किसी एक मुद्रा का प्रयोग करके सोने जा सकते हैं। मुद्राओं को मैंने बताया किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ के किया जाता है तो उससे अधिक लाभ मिलता है। जब हम प्राणायाम करें तो हम किसी एक विशेष आसन में बैठें, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में, तो उस समय मुद्राओं का प्रयोग करेंगे तो अधिक लाभ होगा। और दिन में हम किसी भी स्थिति में मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट कम से कम एक मुद्रा को करना चाहिए, और 45 मिनट तक एक मुद्रा को करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो हम समय का सदुपयोग करना सीखें। समय बहुत बहुमूल्य है, जो समय बीत जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है। और हम मुद्राओं का प्रयोग मैंने बताया किसी भी समय किया जा सकता है। अब हम जब किसी से बातें करें तो कोई ना कोई मुद्रा प्रयोग करें। जिनको डिजीज है तो वो डिजीज के हिसाब से प्रयोग करें, जो स्वस्थ हैं तो वो किसी ना किसी एक मुद्रा का प्रयोग करें, जिससे अपने पांच तत्वों को हम बैलेंस कर पाएंगे। तो हम जब किसी से बात करें तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं या वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, पेट के रोग हैं तो, दांत के रोग हैं तो आकाश मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसको सिखाएंगे कि कैसे हम मुद्राओं के माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और हम टेलीविज़न देखें, कोई चीज़ पढ़ें या चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो किसी ना किसी एक मुद्रा का प्रयोग करके हम समय का सदुपयोग जरूर करें। तो मैंने बताया समय का सदुपयोग करेंगे हम तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
संत।